जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सारी संगत को जय गुरुजी। आज मैं आप सबको बताऊंगी कि क्या गुरुजी हमें चुनते हैं या हम गुरुजी को चुनते हैं। संगत जी, बहुत सारे सत्संग में संगत की ज़ुबान से सुना कि गुरुजी से कैसे मिले, क्या जर्नी रही, क्या क्या बख्शीश मिली, कैसे कैसे कृपा हुई, कौन गुरुजी से मिला और पक्की संगत बन गया, कौन गुरुजी से मिलकर हमेशा के लिए अलग हो गया, कभी गुरुजी की संगत ही नहीं बन पाया। गुरुजी के पास जो दिव्य दृष्टि होती है वो हम आम जन के पास कहाँ। गुरुजी जब उचित समय आता है तब खुद शिष्यों के लिए साधन उपलब्ध करवा देते हैं। गुरु और शिष्य का मेल हो सके ये संगत के प्रयत्न नहीं होते। गुरुजी हमें खुद खोजते हैं अपनी रूहानी शक्ति से, दिव्य शक्ति से, ताकि गुरुजी हमें अपना प्रसाद दे सके, ब्लेसिंग्स दे सके। गुरुजी किसी न किसी को एक दूसरे के माध्यम से हमें मिलवा ही देते हैं, जो गुरुजी के दर पर हमें ले जाता है। कुछ ने कहा कि काम नहीं बना तो जाना छोड़ दिया, ये भ्रम है कि हमने जाना छोड़ दिया, बल्कि गुरुजी ने छुड़वाया। हमारे अंदर इतना अहम है कि हम कैसे मान लें कि गुरुजी ने छुड़वा दिया। फिर इंसान कहता है कि हमारा काम नहीं हुआ इसलिए नहीं गए, इतने पाठ किए, इतने बड़े मंदिर के चक्कर काटे, इतने सत्संग करवाए, लेकिन गुरुजी की मर्जी के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता। आप कहते हैं कि जाना छोड़ दिया और हमने मानना भी छोड़ दिया। इंसान स्वार्थी हो सकता है, भगवान से भी तोल मोल करता है। गुरुजी हमें खुद चुनते हैं, अपनी दिव्य दृष्टि से चुनते हैं, हम गुरुजी को नहीं चुनते। हम कैसे चुन सकते हैं? क्या गुरु जैसे लोग बहुत से हैं? क्या हम सक्षम हैं उस दिव्य आत्मा को चुनने में? गुरुजी के सामने हर मनुष्य ट्रांसपेरेंट हो जाता है, गुरुजी उसके आर पार देख सकते हैं। खुश किस्मत है कि कलयुगी वक्त में सतयुगी महापुरुष मिले हैं हमें गुरुजी के रूप में। एक बार हाथ पकड़ा फिर कभी नहीं छोड़ा, चाहे मुसीबतों के पहाड़ फिर भी गिरे। यही परीक्षा शिष्य की भी होती है। जब मुसीबतों में साहस का दूसरा नाम गुरु है, कहो हमेशा अपनी इच्छा शक्ति से, मेरा गुरु मेरे साथ है। बुलंद हौसलों में मन को, दिमाग को कभी कमज़ोर मत होने देना। इतने सालों से गुरुजी से जुड़ के हमने क्या सीखा? नम्रता, विनम्रता पूर्वक व्यवहार, बिना भेदभाव वाला व्यवहार, दिखावे से दूर, अहम से दूर, दान किसी को अकेले में दो ना कि भीड़ में। इंसान प्रशंसा का भूखा है, अकेले में कोई भिखारी भीख मांगेगा तो कभी नहीं देंगे, चार दोस्तों के साथ होगा तो ज़रूर दे देंगे। यहाँ उसे ना तो भिखारी से मतलब है ना ही दान से, उसे तो अहम से मतलब है। इसलिए हमेशा गुप्त दान करना चाहिए, कभी भी भीड़ में दान नहीं देना चाहिए। इसलिए संगत जी, हमें कभी भी ये नहीं कहना चाहिए कि हमने गुरुजी को चुना, बल्कि गुरुजी हमें खुद चुनते हैं। गुरुजी खुद डिसाइड करते हैं कि किसको अपने गुरु परिवार का हिस्सा बनाना है, किसे अपनी संगत बनाना है। अगर आपको गुरुजी से रिलेटेड कुछ भी पूछना है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर कमेंट में रिप्लाई करके या फिर वीडियो बनाकर ज़रूर दूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।